भी नब्बे यहाँ अलग अपनी बातचीत, यूपी नब्बे बात से पहले है मारपीट, यूपी नब्बे छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने आर जी भी नब्बे यहाँ अलग अपनी बात। नमस्कार, मैं हूँ गौरवी सोनी, मैं एक आर्टिस्ट और राइटर हूँ आपके अपने क्षेत्र बांदा से। बांदा जो कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए अपने आप में बहुत फेमस है, इस छोटे से डिस्ट्रिक्ट में कई सारे कलाकार हैं जिन्हें यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाने का। और आज एक ऐसे व्यक्ति से हम बात करेंगे जिन्होंने यहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट दुनिया के सामने दिखाने का, और बहुत सारे कई ऐसे कार्य किए हैं इस क्षेत्र के लिए जो कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, इस क्षेत्र का नाम करेंगे। उसमें से एक अभी रिसेंट में हमारे यहाँ वेब सीरीज बनी है जिसका नाम है यूपी नब्बे। इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एज वेल एज राइटर भी हैं मिस्टर प्रवीण चौहान जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बारे में कि यूपी नब्बे वेब सीरीज है क्या। तो सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये यूपी नब्बे वेब सीरीज है क्या, जिसकी स्टोरी आपने खुद लिखी है, तो आपने ये क्या सोचकर लिखी है और इसमें क्या है ये आप हमारे साथ शेयर करें। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि यहाँ के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिले अपनी प्रतिभा दिखाने का, पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने का। एक ऐसा ही प्रयास हम लोगों ने किया यूपी नब्बे वेब सीरीज बनाकर। ये 3 पार्ट में बनाई गई है, इसका पहले फर्स्ट पार्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। मैं एक बात को और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा कि यूपी नब्बे हमारे बांदा को प्रदर्शित करता है, बांदा एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है, बहुत ही अच्छे अच्छे ऐतिहासिक कहानियाँ हैं यहाँ पर, लेकिन इसको इस दृष्टि से मत देखें क्योंकि जो यूपी नब्बे वेब सीरीज बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की दृष्टि से बनाई गई है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है यहाँ के कलाकारों के टैलेंट को सामने लाना, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर वो लोकेशन नहीं है, यहाँ पर ऐसे कलाकार नहीं हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपने बांदा को उस दृष्टि से दिखाया है कि लोगों का नज़रिया बदले और वो ये जाने कि यहाँ पर भी सब कुछ हो सकता है, यहाँ पर अच्छे कलाकार हैं, अच्छे लोकेशन हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जैसा हम लोग ने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसमें काम किया है, काफ़ी सारे कलाकार इन्वॉल्व हैं, तो आपने उनका चयन कैसे किया, आपने उन्हें कैसे चूज़ किया? हम लोग के हर कार्य से पहले हम लोग ऑडिशन जरूर करते हैं जिससे कोई भी कलाकार ना छूटे, उनके पास तक हमारी बात पहुँचे कि हम लोग एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा हमको और सबको दिखाएं। ऐसे ही जब यूपी नब्बे वेब सीरीज की हम लोगों ने शुरुआत की तो उसका भी ऑडिशन रखा था जिसमें एक से बढ़कर एक बुंदेलखंड से बुंदेलखंड के बाहर के भी कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें हम लोगों ने चयन करके उनको मौका दिया। निश्चित ही आप लोग कई नए चेहरों को, नई कई प्रतिभाओं को इस सीरीज में देखेंगे और अपने बांदा के बहुत से सामाजिक व्यक्ति जिन्होंने अपने बांदा का नाम गौरवान्वित किया है, बांदा के विकास में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, उनकी भी प्रतिभा आप देखेंगे, उनको भी एक नए रूप में देखेंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने कई आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, इस पे 100+ कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी प्रतिभाओं को आप लोग देखेंगे। आपने इस सीरीज को बनाया तो एक निर्माता की दृष्टि से इस क्षेत्र में कोई सीरीज या फिर कोई मूवी बनाने में कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कठिनाइयां हर काम में आती हैं और ये भी कहा जा सकता है कि किसी अच्छे कार्य का दूसरा नाम ही कठिनाई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी काम को करें तो उसको उसकी अंतिम स्टेज तक जरूर पहुंचाएं, उसको पूरा जरूर करें, कठिनाइयों को भूल जाएं, सिर्फ अपना काम करें। मेरी एक और एक राय है, मैं अपने सभी सामाजिक लोगों से कहना चाहता हूं कि जब हम सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बांदा का एक अलग नाम होगा, अपने बुंदेलखंड का एक अलग नाम होगा। कहीं पर कोई इंडस्ट्री नहीं थी, वहाँ के लोगों ने जब लगातार काम किया, एक से बढ़कर एक वीडियो बनाए, तो आज वहाँ पर उनकी खुद की एक दुनिया है, वहाँ पे कलाकारों के पास रोजगार है। अगर हम सब प्रयास करेंगे, हम सब बनाएंगे, निश्चित ही यहाँ पर भी
एक दिन अपनी खुद की एक बुंदेलखंड की इंडस्ट्री होगी और सब कलाकारों को काम मिलेगा, उन्हें मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, उन्हें इस भरोसे में नहीं रहना पड़ेगा कि मैं मुंबई जाऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा। वो ये भी कहेंगे कि मैं बुंदेलखंड जाऊंगा तो भी कुछ कर पाऊंगा। तो आपके जो नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं तो यहाँ के जो कलाकार हैं उनको और भी मौके मिलेंगे? हमारे आने वाले प्रोजेक्ट की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, जल्द ही आप लोगों के बीच में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और यहाँ के कलाकारों को फिर से मौका मिलेगा उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का। यूपी 90 वेब सीरीज जिसका निर्माण हमारी एक पूरी टीम ने किया हुआ है, सबसे पहले हमारा सॉन्ग आया था यूपी 90 जिसको लिखा था बांदा के मशहूर कोरियोग्राफर मिस्टर संतोष कुशवाहा जी ने, जो अपने क्षेत्र के लिए बहुत योगदान देते हैं और आज उनके शिष्य कई ऊंचाइयों को छू चुके हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सॉन्ग को गाया था मिस्टर जय जी ने, जो कि लुधियाना से हैं, बखूबी उन्होंने इस सॉन्ग की कंपोजिंग की और आप सबको ये गाना बहुत पसंद आया, आप सब ने उसको अपना आशीर्वाद दिया और ज़्यादा से ज़्यादा ये सॉन्ग चल रहा है। यूपी 90 वेब सीरीज को जिन्होंने बहुत ही अच्छे से सजोया है अपने कैमरे के माध्यम से, जिसको प्रदर्शित किया है, वो बहुत ही युवा हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, मिस्टर लक्की सिंह जी, जिन्होंने इस सीरीज पे अपना पूरा योगदान दिया और इसको बखूबी दर्शाया है अपने कैमरे के माध्यम से। आप भी देखेंगे कि बांदा को किस दृष्टिकोण से, किस लोकेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया गया, आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस सीरीज को ज़रूर अपना प्यार दें, क्योंकि इसमें हमारे क्षेत्र के कलाकारों को बहुत हौसला मिलेगा और जब तक आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिलेगा तब तक हम अपने अगले कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो आप सब ज़रूर अपना आशीर्वाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज को देखें, जल्दी आपके बीच में यूपी 90 वेब सीरीज होगी। थैंक यू। आप सभी के बीच में यूपी 90 वेब सीरीज का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज हो चुका है, जिसने अपने आप में चारों तरफ धमाल मचा के रखा है और इस ऑफिशियल सॉन्ग के लिरिक्स जिन्होंने लिखे हैं वो अपने आप में एक मशहूर कलाकार हैं और यहाँ के लोगों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है ताकि उनका जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आए और सदा ही इस कला के क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर संतोष कुशवाहा जी। आइए तो आज उनसे हम बात करते हैं और देखते हैं उनके माइंड में क्या था और उन्होंने कैसे इस सॉन्ग के लिरिक्स लिखे। तो चलिए उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है सॉन्ग के लिरिक्स लिखने के बाद? इतना फेमस हो रहा है ये सॉन्ग सब जगह और इसका जो रैप वर्जन है जो हमारे एरिया से अभी तक किसी ने भी नहीं लिखा है, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आए आपने ये सॉन्ग लिखा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मैं प्रवीण सर का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे दूसरी बार मौका दिया बोलने का, पहली बार अपनी कलम से और दूसरी बार आज यहाँ मौका दिया। और ये गाना दरअसल हमारे क्षेत्र के जो यहाँ का एक स्टाइल है इंटॉलरेंस लोगों में और अग्रेशन है, उन एलिमेंट्स को निकाल करके लिखने की कोशिश की गई है। और मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र की जो कला संस्कृति है उस पर कुछ मैं योगदान कर सकूँ, और मैं लकी हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में कुछ योगदान करने का मुझे मौका मिला। और रही गाने के लिए, तो ये जैसा कि मैंने बताया, इस गाने पे जो हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग हैं, जो उनके अंदर अग्रेशन है, जो स्टाइल है, जो यहाँ का एलिमेंट है, उस एलिमेंट को बाहर निकालने की कोशिश की गई है, वही लिखने की कोशिश की गई। और इस गाने को जिस तरीके से मैंने लिखा उससे बहुत बेहतर मेरे जय भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया, जिन्होंने ये गाना गाया है मिस्टर जय लुधियाना से, बखूबी गाने को निभाया है जी। अजय जी ने इस सॉन्ग को काफ़ी अच्छे से गाया है और काफ़ी लोगों ने उनके इस आवाज़ को बहुत पसंद किया है। तो अब मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जब आप सॉन्ग के लिरिक्स लिख रहे थे तो काफ़ी माइंड में क्वेश्चंस आए होंगे कि यहाँ पर स्टूडियोज़ नहीं हैं सॉन्ग की डबिंग के लिए और काफ़ी लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो आपने क्या सोचा कैसे मतलब होगा सॉन्ग कैसे कम्प्लीट होगा ये बताइए हमें? प्रॉब्लम्स परिस्थितियां कभी भी हमारे अनुकूल प्रतिकूल चलती रहती हैं, ऐसा अगर हम सोच के बैठें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं कमियां और उन प्रॉब्लम्स को देख करके बैठ जाएं तो हम कभी भी काम नहीं कर सकते हैं।
मैंने जो ये गाना लिखना चालू किया तो एक भरोसा था मुझे, मुझे पता था कि प्रवीण सर किसी भी काम को अगर लेते हैं तो काम को अंजाम देते हैं पूरा। और उनका जब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि वो इस प्रोजेक्ट को लाने वाले हैं और काम करने वाले, तो मैंने फिर दिल से इसको लिखना चालू किया और ये वही हुआ। प्रवीण सर ने एक अच्छी खासी बड़ी टीम तैयार की और बहुत अच्छे होनहार सिंगर मिस्टर जय को भी खोज निकाला और उनसे ये गाना गवाया जो कि बहुत ही काबिले है। और ये मुझे पता था कि प्रवीण सर इस चीज़ को कर लेंगे और वैसा ही हुआ। आज गाने को इतने हिट्स मिल रहे हैं, इतने लोग लाइक्स कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कमियों को देखते रहेंगे या ये सोचे कि यह स्टूडियो नहीं है या यहाँ पर रिकॉर्डिंग कैसे होगी, तो हो सकता है वो रिसोर्सेज पूरे, लेकिन कभी ना कभी शुरुआत करना। मेरे मन में एक बात और थी, मुंबई हर किसी का सपना है, हर कोई जाना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप अपनी जगह से चीज़ों को कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म प्रवीण सर ने बहुत बड़े लेवल पे बांदा के लोगों को दिया है और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने के लिए बहुत लोगों को ऑफ़र किया है, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, उसमें से मैं एक हूँ और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिला। चलिए, आपके सॉन्ग की सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपके आगे के और क्या प्लान्स हैं इस क्षेत्र में और क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? काफ़ी सारे हमारे अब नए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइनअप हैं और कुछ गानों पर भी काम चल रहा है। कुछ गानों को लिखने के लिए मुझे बोला भी गया है, मैं लिख भी रहा हूँ और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ऐसे काम पर ये हमारी एक सोच है कि जो लोग यहाँ से मुंबई जाना चाहते हैं, लेकिन कई कारण हैं, हर कोई मुंबई जाकर शिफ्ट नहीं हो सकता और हर किसी को वहाँ जाकर ही काम मिल जाए ऐसा भी नहीं होता है, तो हम उस प्लेटफॉर्म को यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि सबको इस माध्यम से भी कुछ अर्निंग होने लगे, एक सोशल स्टेटस भी बनने लगे, ये प्रयास है। तो उन सब में हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं नए, अब जल्दी आप इसके बारे में भी जानेंगे और सबको पता चलेगा, तो ये प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। यूपी 90 वेब सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जिन्होंने इसे बखूबी सुंदरता से इसको फिल्माया है वो एक यंगस्टर है और एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है और उनकी ये पहली वेब सीरीज है। उनका नाम है मिस्टर लकी सिंह जी। तो आइए उनसे जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और वो कैसा फील कर रहे हैं। तो आप कैसा फील कर रहे हैं इतना अच्छा वर्क करके और यूपी 90 सीरीज का एक हिस्सा बनके? सबसे पहले तो मैं थैंकफुल प्रवीण सर का जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट यूपी 90 वेब सीरीज पे वर्क करने का मौका दिया जिसपे मैंने वर्क किया एज ए कैमरामैन, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि मुझे इस वेब सीरीज में, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और मुझे इस वेब सीरीज में काम करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप कि जो वर्क हम लोगों ने किया है, पूरी टीम ने वर्क किया और सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, तो आप सब सारे लोगों को पसंद आएगा और आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज से। तो आपको ड्यूरिंग द शूट्स क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े? जैसे कि ऑब्वियसली हमें पता है कि यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो ड्यूरिंग द वीडियोग्राफी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या चीज़ें आपको डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, वो हमसे शेयर करिए। जैसे कि आपने पूछा मैम, तो हम लोगों ने शूट किया, लोकेशंस पे जाके देखा और आप सब जानते हैं कि बाने में लोकेशंस तो हैं बट वो बहुत ही लिमिटेड लोकेशन है। अब उन लोकेशन पे जाके हमें शूट करना है और वहाँ पे हमें एक चीज़ भी देखनी है कि नॉइस कैंसलेशन भी है, क्योंकि हम लोगों ने ये वेब सीरीज जो शूट करी है पूरी लाइव शूट करी है और इस पर हमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर वर्क करना था वॉइस पे, तो हमें वॉइस को बहुत ज़्यादा ध्यान देना था कि हम वॉइस को नॉइस कैंसलेशन हटाए कैसे, क्योंकि सारी लोकेशन इन सिटी हैं तो ट्रैफिक का साउंड हो गया, आपका बाइक का साउंड हो गया, कार, ऐसे बहुत सारे साउंड्स आए, बट हम लोगों ने वो सारी चीज़ें सब कुछ मैनेज करी और बहुत ही अच्छा कुछ किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे साथ वेदर की थी, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी शूट किए हैं ओपन वेदर शूट किए हैं और वहाँ पे डायरेक्ट 45 डिग्री सनलाइट पे हम लोगों ने शूट किया है, तो कई बार कैमरे चलते चलते हीट हो गए, बंद हो गए प्रॉपर तरीके से, और कई बार हम लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पानी बरसने लगा और लोगों को भी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेट हुई जैसे कि हमारी टीम थी। फिर किसी ना किसी तरह सारा सब कुछ मैनेज किया हम लोगों ने, पूरी टीम ने एक साथ वर्क किया, मैनेज किया, तो अच्छा हुआ। फिर हमें एक चीज़ भी ध्यान देनी थी कि जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड चल रहा है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने उस गाइडलाइंस के अंतर्गत हम लोगों ने सारा वर्क किया कि किसी को कोविड की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो, और 100+ की हमारी टीम थी जो सारा सब कुछ हम लोगों ने मैनेज किया, अच्छा किया, और कोविड का भी ध्यान दिया कि किसी को कोविड ना हो, ऐसा कुछ वैसा कुछ
कोई प्रॉब्लम्स ना आए, और जो भी जितना शूट किया तो आई थिंक जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा शूट का और टीम का, तो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा ही कुछ मिलेगा। तो ये आपका पहला प्रोजेक्ट है राइट, तो आपका पहला ही वर्क इतना धमाल मचा के रखा हुआ है और हम सबको बेसब्री से इंतजार है इस प्रोजेक्ट के रिलीज होने का, और ये वेब सीरीज जब आएगी तो ऑब्वियसली ये धमाल मचा देगी। तो आपकी आगे की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या क्या हैं, और आप इस क्षेत्र में ऐसे ही काम करेंगे, और क्या क्या है नए प्रोजेक्ट, किसी आप प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं या फिर कोई आने वाला प्रोजेक्ट है आपका? हाँ बिल्कुल, ये जैसा आपने पूछा तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ भी रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने वर्क करना शुरू भी कर दिया, और इस काम से हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस भी लिया है जो आगे आने वाले काम पे हम पूरा डाल के दिखाएंगे कि हमने और कितना अच्छा बेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नए नए कलाकार हैं, फोटोग्राफर्स हैं और वीडियोग्राफर्स हैं, हम उनको काम भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रवीण सर एक टीम बना रहे हैं जो एक प्रॉपर वे पे काम करेगी, जिसका हर एक का अपना अपना एक अलग काम होगा, तो सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही आने वाला है इस यूपी नब्बे वेब सीरीज से। जो यंगस्टर्स हैं उनको आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कि उन्हें भी आपके साथ काम करने का मौका मिले और आप उनके लिए एक प्रेरणा भी बनेंगे। तो चलिए, हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेज हैं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। यूपी नब्बे वेब सीरीज़ जल्द ही हमारे बीच आने वाली है, तो इसे ज़रूर ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें कलाकारों का हौसला बढ़े और हमारे बुंदेलखंड का नाम हो। धन्यवाद।